वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। रेब और नूरफातमा भी ठीक है। नूरफातमा बस चीज़ें देख के रो रही है कि मैंने कौन सी लेनी है तो कौन सी नहीं लेनी। एंड हम अब आए हैं, हम लाहौर से सियालकोट आ गए हैं आज। और यही सामान मैंने आपको दिखाना था कि लरेब का क्या क्या सामान है। आज ये देखें चीज़ों के डब्बे, ये पहले भी बॉक्स आए थे, आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब आए थे। तो इसके नानू बना के देते हैं दो बॉक्स, एक तो ये है, एक और ये लरेब का और ये नूरफातमा का। और नूरफातमा लरेब का पेंट लेके बैठती है जो इसको पसंद है। तो ये बॉक्स और चीज़ें इनकी वैसी इकट्ठी हो गई। ये देखें वहाँ पे वन वन करके टू टू शॉपर जो भी लेके आती थी मामूसा जाके, तो ये ऐसे ही देखे शॉपर पड़ा हुआ है इनकी सारी चीज़ों का। ये अब इन्होंने, इनको महीना लग जाएगा खाते खाते में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लरेब की क्या चीज़ें आई थी। लरेब का मैंने वहाँ से टिफ़िन लिया था, लंच बॉक्स। ये देखें ये बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। लरेब ओपन करो इसको, लरेब इसको ओपन करेगी। ये देखें इसके अंदर फॉक भी है और एक चम्मच और छोटी डिब्बी डाली हुई है आपके फ्रूट डालने के लिए। माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा था मुझे ये। कितना प्यारा सा, खूबसूरत सा। इसको वापस बंद कर दो। अब क्या डालना है? ओके। एंड इसको हमने अभी हमारा हो गया, हमने पैक कर दिया, इसको साइड पे रखते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखें ये हमें कहीं से आए थे, ये टिशू के डब्बे हैं। ये तो ये काफ़ी ज़्यादा थे माशाल्लाह, तो फिर ये कहीं से गिफ्ट आए थे तो फिर हमने इसको ना रख दी। ये मैं अभी टू दिखा रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बाकी मैंने ना जो है वो रख दी हैं, संभाल दी हैं। नाना बुलाए थे, ये कहीं से हमें गिफ्ट मिला था। ये गिलास है, ये गिलास में हमें कहीं से गिफ्ट मिला था, फिर से गिफ्ट आया था, तो फिर ये भी हम साथ लेकर आएंगे। देखें ये टू कलर्स में है, ये रेड है और नीचे पर्पल शेड है। बहुत प्यारे खूबसूरत से गिलास हैं ये, आप देख सकते हैं प्लास्टिक के। एंड ये बोतल भी हैं, ये टू बोतल्स हैं इस तरह की। ये देखें ये टू बोतल्स हैं, बहुत खूबसूरत से बने। ये भी गिफ्ट मिला था, इसको मैं ना बामे से ही काट दूँगी। ये ना नूरफातमा ने, हाँ जी ये नूरफातमा का है, नूरफातमा में रोना है, नूरफातमा को बामे आपको मैं इसको सही काट दूँगी। ये टू बॉटल्स भी हैं, हाँ ये लरेब का चीज़ वाला बॉक्स है, हाँ जी। एंड ये देखिए बटन, ये प्लेट्स, दोनों की लड़ाई होती है अगर एक ले लें तो। इन्होंने, मैंने इनको प्रिंसेस वाली दी थी कि बारबी वाली ले लें, नहीं इनको मोटू पतलू वाली लेनी थी। दोनों की प्लेट्स एक जैसी हैं, हाँ जी। अभी मैं बाद में, अभी मैं ये दिखा दूँ ना, अच्छा मैं बाद में दिखाएंगे ना, अभी पहले ये काम कर लें। तो और ये हैं छोटी टाइप बनी, प्यालियाँ टाइप बनी हुई हैं बच्चों के लिए। ये भी टू लेके आई थी क्योंकि वन तो मैं ला ही ना सकती, मैंने लड़ाई हो जानी है नूरफातमा की और लरेब की। और ये खूबसूरत सी बोतल है, ये मैं लेके आई थी लरेब के स्कूल के लिए। न्यू बच्चा जाता है, अभी इतने जाना है न्यू तो फिर वो शौक होता है कि ये पहना। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ड्रेसेस नूरफातमा और लरेब के, ये ड्रेसेस, हाँ जी आपने पहना था। इनकी आनी का पे इंस्टाग्राम पे है पेज, वो है ब्लॉग बाय सोनी और वो एक ब्लॉगर है। तो उनके पास ये आए थे, पार्सल आया था। एंड ये हम पहन कर सुबह वीडियोस इनकी आनी ने बनाई थी तो फिर हम इधर आए हैं। तो बहुत अच्छा है इनका काम, इनके बहुत खूबसूरती से वहाँ बहुत कपड़े बनाए हुए हैं इनके जो है। इनका जो पैकेट के ऊपर नाम लिखा था DM क्लोजेट 10, आप ज़रूर इनके पास जाइए। और ये मैं आपको दिखाती हूँ किस्म के कपड़े हैं ये, हाँ जी दिखाओ। ये लरेब सीधा करके दिखाएगी, ये लरेब का है, इस सुबह लरेब में बहुत अच्छा आया था। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है बहुत खूबसूरत सी है। इसका करो मेरी तरफ, करो इसका रुफा पाँव पीछे करो, रुफा पाँव पीछे करो। इसकी बहुत प्यारी सी है, देखें आप देती हूँ एक मिनट। ये देखें गोटी इन्होंने सही लगाई हुई है शर्ट पे, बहुत प्यारी स्टिच की है। उनको नाप बताया था कि तो उन्होंने पूछा था कौन से नाप के, तो ये मेरी बेटियों को नाप दिया था।
तो फिर ये नाप की आई थी दोनों, इसको सीधी करो। ये ट्यूलिप शलवार बनी हुई है, देखिए ट्यूलिप बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत सी। एंड इसके ऊपर जो दुपट्टा है वो है ये ऑरेंज कलर में। एंड जो मेरी बहन है उसके जो इंस्टाग्राम पे तो आपको मैंने बताया था कौन से नाम से है, एंड वो यूट्यूब पे जो है, यूट्यूब पे भी है कुकिंग इन सोनी स्टाइल, उन पे भी इनकी वीडियोस लगती है, आप ज़रूर जाइएगा, मैं लिंक भी शेयर करूँगी। एंड जिनके ये कपड़े हैं जिन्होंने ये स्टिच करके दिए हैं उनके हैं उनके DM क्लोजेट 10। एंड ये नूर लरेब का आया था, ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। और जो इंस्टाग्राम पे मेरी सिस्टर का जो है पेज है वो है ब्लॉग बाय सोनी के नाम से। ये फ्रॉक ये है नूर फातिमा का, बहुत खूबसूरत सा, ये देखें इन्होंने कितने प्यारा प्यार से तैयार किया हुआ है, इतनी क्लीननेस है इसमें। एक मिनट सब्र। तो ये देखें बाजू भी देखें कितने खूबसूरत से इन्होंने बनाई, इतनी मेहनत की है उन्होंने। तो आप अगर आपको इस तरह का पसंद है कि आप अपनी बेटी के लिए किसी के भांजी भतीजी किसी के लिए भी आप कर सकते हो, आप इसे ज़रूर खरीदिएगा। ये बहुत अच्छे बहुत बस क्लीनिंग बस सफाई बहुत पसंद आई थी जब ये आया था ना, बहुत खूबसूरती से। और आप वीडियोस भी जा कर देखिएगा मेरी सिस्टर के जो इंस्टाग्राम के पेज पे ब्लॉग बाय सोनी के नाम से है, उस पर जाके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए दुपट्टा कितना खूबसूरत था, और ये देखिए इन्होंने कोने भी इतने प्यारे से बनाए हुए हैं, देखें। हाँ जी ये बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत सा। एंड इनके पेज पे जाकर आप इसे ज़रूर खरीदिएगा, DM क्लोजेट 10 के नाम से है, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लगे इनकी स्टिचिंग, इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। चलिए आज का व्लॉग बस इतना सा, क्योंकि आज मैंने आपको बस ये चीज़ दिखाई थी, वैसे भी बहुत लंबा हो गया फिर भी। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो न्यू हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ कर दो लरेब और नूर फातिमा आप भी। नूर फातिमा गंदी बच्ची बनी है, देखो टॉफ़ी कैसे खा रही है। नहीं अल्लाह हाफिज़ करना। ओके अल्लाह हाफिज़, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, ये बाद में।